सवेरे आपकी बिटिया के स्वर क्या पड़ते हैं कानों में महन जी, बस यूं समझ लीजिए कि सारी दुनिया के दुख दर्द मिट जाते हैं। 12वीं तो पास कर ली, अब आगे क्या सोचा है बेटी? अब ये कॉलेज जाएगी तुलसीराम जी। कॉलेज? कॉलेज जाके क्या करेगी, करनी तो शादी ही है ना। नहीं नहीं तुलसीराम जी, हमारे होने वाले दामाद जी की इच्छा है कि ये आगे पढ़े। अच्छा, क्यों रामेश्वर जी? हाँ चाचा जी, मैं तो बस वेद पुराण की ही शिक्षा ले सका गुरुकुल में। कम से कम ये तो ग्रेजुएट हो जाए। ओ, तो तुम्हें अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी चाहिए? पर मंजी, कॉलेज का हाल तो मालूम है ना आपको, आगरे के लड़के लड़कियां पढ़ते कम है और पिक्चर ज्यादा देखते हैं। हमारी निर्जरा ऐसी नहीं है, और फिर इसकी सहेली इंदु भी तो साथ में है। सुबह 7:35 की फ्रंटियर से जाएगी, कॉलेज स्टेशन के पास ही है। कॉलेज खत्म होते ही 4:35 की एक्सप्रेस पकड़कर वापस आ जाया करेगी। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में शिव से सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, पर दे दो मुझको जान। मैंने सुना है कल बड़ा हंगामा हो गया, खूब मारपिटाई की कॉलेज में। मारपिटाई? नहीं भैया, मैंने उनकी टांगे तोड़ दी। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचा ना तो एलेक्स के लोग कनक को मार दिए होते। अरे तुम्हें जरूरत क्या है किसी और के फटे में टांग डालने की? हाँ, कमाल कर रहे हैं। मेरा दोस्त है, अगर कोई आपको मारने आता तो क्या मैं चुप बैठता? और फिर कॉलेज भी तो मेरा ही है। नहीं था, कितने साल हो गए कॉलेज पास किए हुए तुम्हें, फिर भी वहां बैठा रहता है, प्लेटफॉर्म पर टंगा रहता है बिना वजह। अरे कुछ काम वाम करना है या यूं ही आवारगी में उम्र गुजारनी है? बस भी करो ना, उसे आराम से नाश्ता तो करने दो। आप अभी पूरी दो ना। हाँ हाँ, एक क्यों, 40-50 ले लो। ये फ्री का खाना खिला खिला के और सांड बना दो इसे, ताकि ये जब जाए सबको सींग मारता रहे। लो बेटा, ये आपकी पूरी, ये आपका ब्रेड और ये आपका दूध। ये लो बेटा, खाना वेस्ट नहीं करते। राधे? नहीं। राधे सुन तो सही। नहीं भाभी, नहीं। देखा, उठा दिया ना बेचारी को थाली पर से,
तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है? तुम्हारे लाड ने ही तो बिगाड़ा है उसे। जबरे बाल बिखरे घूमता रहता है यहाँ वहाँ और दो चार को भी लगाए रखता है साथ में। पता नहीं इसका क्या होगा जिंदगी में। वो राधे मोहन है, कॉलेज का पुराना स्टूडेंट। क्या बात कर रहे थे? अपने दोस्तों के साथ बैठकर नए स्टूडेंट्स की खिंचाई करता रहता है। ए, उधर मत देख, बस नीचे मुकर के चलती रहे। राधे, वो देख, इंदु के साथ कोई फ्रेशर आ रही है। सुनिए, अरे इधर आइए ना। ओ, आप नहीं, आप क्लास जाइए, पढ़ाई कीजिए, चलो। फर्स्ट ईयर विच कोर्स? बीए पास कोर्स। सीनियर को गुड मॉर्निंग कहना नहीं आता? गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं, सिपाही की तरह तन कर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड। रोज ऐसे आवन जावन में सलाम ठोक के जाया करो। जी। ये क्या? ये क्या? मोर पंख। वो तो दिख रहा है, किताब में क्यों? ये नोटबुक में रखने से एक के दो हो जाते हैं। अंडे देता होगा। और इस डब्बे में अरे वाह, पूरी भाजी। अच्छी है। थैंक यू यार। नहीं नहीं, शर्ट से नहीं यार, शर्ट से आप नहीं बोलते। नहीं 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 यार, नहीं। ए राधे, क्या कर रहा है यार? राधे, किताब। थैंक यू जी। उससे मत पूछिए, पाप चढ़ेगा। नाम क्या है तुम्हारा? निर्जरा। मतलब? मतलब नाम है मेरा। बहुत डिफिकल्ट नाम है, इसलिए मतलब पूछ रहा हूँ। वो तो नहीं मालूम। नाम किसने रखा? माँ ने रखा था। तुम्हारे से पूछ क्या निकल? वो तो मर गई। बाप तो है ना? कल बाप से पूछ क्या ना। जी शुक्रिया, पाप करने से बचा लिया मुझे। जी वो टिफिन। थैंक यू यार। अजी सुनिए, जब आपके मोरपंख एक से दो जाए ना, तो एक मुझे देना। हरिओम। हरिओम बाबा। माँ ने मेरा नाम निर्जरा क्यों रखा? क्योंकि तुम्हारी माँ को मेरी माँ बहुत पसंद थी, यानी कि तेरी दादी, उन्हीं का नाम था निर्जरा देवी। और उसका अर्थ क्या होता है बाबा? ये अर्थ जानने की तुझे आज क्या जरूरत पड़ गई? बताओ ना बाबा, सब मुझसे पूछते हैं और चिढ़ाते भी हैं। इस नाम का मतलब होता है, बोलने में नहीं आता यार। हेलो। पैसे ये ले। ए चंदू, हाँ, इसे चाय पिला दे। ठीक है राधे भैया। पागल।
सो फ्रेंड बहुत मजा आया पार्ट नंबर टू देख के, इसमें जो निर्जरा की इंट्री, निर्जरा है ना, निर्जरा बहुत डिफिकल्ट नाम है जिस तरह मतलब पूजा पाठ कैसे गुस्से में उठ के चले गए की नहीं खा ये वो, तो बहुत मजा आया की पार्ट देखकर। इसमें एक तो ये है की मुझे बहुत मजे की लग रही है मूवी किस तरह के ना इंटरेस्टिंग के, मतलब उसे तंग बच्चों को तंग करना, कॉलेज के लिए बच्चे हैं जो भी उनको इस तरह से वो मजा आता है इस तरह की मूवी, मतलब एक्टिविटीज मतलब रियल एक्टिविटीज भी होते हैं अक्सर, ऐसा होता है कि मतलब सीनियर्स जूनियर्स के साथ ऐसे करते हैं ना, ट्राई करते हैं, तो फिर मतलब ऐसी मूवीज देखी और हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है जिनमें इस तरह सीन हुए हैं, तो बहुत मजा आया पार्टी का। आपको कैसे लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोस, सो सी यू अगेन।